हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ये लेक्चर में जो जो सिलेबस ड्यू टू द कोरोना वायरस रिड्यूस हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो साइंस टू के टोटल 10 चैप्टर में से जो जो टॉपिक रिड्यूस किया है उनके बारे में हम डिटेल में एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइटेड पेन से आपको येलो कलर का मार्क दिखेगा, समझ जाइए वो रिड्यूस पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा पेज नंबर 1, सबसे नीचे में आपको 3 लाइन दिख रही है स्टूडेंट, द सीक्वेंस से लेके डीएनए, तो वो 3 लाइन आपकी कट कर दी है। देन इसी के बाद में पेज नंबर 2 पे कुछ भी रिमूव नहीं किया, लेकिन पेज नंबर 3 में आपको टॉप पे कैन यू रिकॉल अ पीक इनटू हिस्ट्री का पूरा बॉक्स और 3.5 बिलियन से लेके लास्ट में एक्सेप्टेड वो डिलीट किया है। पेज नंबर 4 पे सबसे नीचे में कैन यू टेल, एंड पेज नंबर 5 पे आईसीटी, वो दो पॉइंट आपके रिड्यूस किए। देन पेज नंबर 5 के बाद में 6 पे आपका इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 6 एज इट इज़ है बाकी, और पेज नंबर 7 भी एज इट इज़ है। पेज नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये दोनों रिमूव किया गया है। पेज नंबर 9 और 10 पे कुछ भी रिमूव नहीं किया है। इसी के बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में आपको टॉप पे आपको दिख रहा है कैन यू रिकॉल के सभी क्वेश्चन, साथ में सबसे नीचे में यूज़ योर ब्रेन पावर, एंड टॉप पे आपको डायग्राम एंड कैन यू टेल, ये पूरा रिमूव किया गया पेज नंबर 13। पेज नंबर 14 की अगर बात करो तो एटीपी वाला पूरा पैरा डिलीट किया गया, एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये भी डिलीट किया गया। ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है। इसी के बाद में पेज नंबर 16 पे दिया है ऊपर में आपको कैन यू टेल एंड साथ में ऑलवेज रिमेंबर, ये दोनों आपको रिड्यूस करना है। बाद में पेज नंबर 17 थिंक वाला, यूज़ योर ब्रेन पावर एंड इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, वो डिलीट किया है। पेज नंबर 18 में अगर बात करें तो कैन यू रिकॉल और क्रोमोसोम का डायग्राम रिड्यूस किया गया है, बाकी माइटोसिस मियोसिस पूरा एज इट इज़ आपको पढ़ना है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन पेज नंबर हम 20 की अगर बात करें तो ट्राई दिस, यूज़ योर ब्रेन पावर, बुक माई फ्रेंड एंड आई सी टी, ये भी रिड्यूस किया गया। देन इसी के बाद में हम बाकी एक्सरसाइज तो आपको पूरा पढ़ना है। उसी के बाद में पेज नंबर 22 कैन यू रिकॉल वाला पूरा रिड्यूस करना है, चार क्वेश्चन। पेज नंबर 23 एज इट इज़ है। पेज नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 24, तो 24 में आपको सबसे नीचे में आपको देखना है। तो स्टूडेंट पेज नंबर 24 देखिए, पेज नंबर 24 में वेनेवर से लेके साइकॉन तक के जो आपको पैरा दिख रहा है रीजनरेशन के जस्ट ऊपर, वो रिड्यूस करना है। पेज नंबर 25 पे ट्राई दिस को आपको रिमूव करना है, बाकी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। देन इसी के बाद में पेज नंबर 26 में लेट्स थिंक वाला दो क्वेश्चन काटना है। इसी के बाद में पेज नंबर 27 में टॉप पे मैनी फ्लावर से लेके पोलर न्यूक्लिया वाला पैरा पूरा कट करना है, नीचे में डू यू नो और आईसीटी कट करना है। पेज नंबर 28 पे ट्राई दिस आपको कट करना है, साथ में आपको पेज नंबर 29 पे टॉप पे सरप्राइजिंग फैक्ट दिख रहे हैं वो आपको रिमूव करना है। देन इसी के बाद में पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 में डू यू नो आपको कट करना है, साथ में नीचे में डेवलपमेंट एंड बर्थ ये पूरा आपको रिमूव करना है। पेज नंबर 31 में टॉप पे कैन यू टेल भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 32 एज इट इज़ पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 33 में इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। पेज नंबर 34 की अगर बात करें तो ऊपर वाला पैरा, देन उसी के नीचे में डू यू नो, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। देन पेज नंबर 35 आपकी एक्सरसाइज, पेज नंबर 36 आपका न्यू टॉपिक कैन यू रिकॉल थिंक एंड आंसर, आपको ये दोनों कट करना है क्वेश्चंस उसके। देन पेज नंबर 37 का पूरा चार्ट, पेज नंबर 38 का पूरा चार्ट और साथ में कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 39 का कंप्लीट द चार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तीनों चीज़ें। देन इसी के बाद में पेज नंबर 40 पीक इनटू हिस्ट्री वाला पूरा बॉक्स आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर में डू यू नो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वाला भी नहीं पढ़ना है, साथ में सबसे नीचे में कंप्लीट द चार्ट वाला भी नहीं आपको पढ़ना है। पेज नंबर 41 पे भी आपको ये साइड में बहुत सारी चीज़ें स्किप की है, तो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड। देन इसी के बाद में पेज नंबर 42 आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ नीचे के 3 लाइन जो आपका पैरा दिया है वो नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 43 में हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वो पैरा आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 44 में थिंक एंड आंसर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इसी के बाद में पेज नंबर 45 में टॉप पे रिकॉल अ लिटिल वो नहीं पढ़ना है, डू यू नो नहीं पढ़ना है, ऑलवेज रिमेंबर एंड थिंक ये भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 46 में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 47 नया टॉपिक कैन यू रिकॉल एंड मेक अ टेबल, ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में स्टूडेंट ये टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद में हमारा पेज नंबर 48 आपको एज इट इज़ पढ़ना है, लेकिन पेज नंबर 49 में आपको सबसे नीचे का पैरा इफ़ यू से लेके पूरा आपका प्रॉब्लम तक के वो पूरा पैरा नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में पेज नंबर 50 में डू यू नो नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 51 में इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड सबसे नीचे में कंपेयर, ये दो चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 52 में अगर आप आएंगे तो 52 में सबसे नीचे में ब्लू बॉक्स नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 53 में बहुत सारा रिड्यूस किया गया एनर्जी वाला जो पूरा पैरा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरा कट किया, साथ में येलो बॉक्स भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 में यूज़ योर ब्रेन पावर नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 55 में डू यू नो नहीं पढ़ना है, ये दो आपको टॉपिक वहाँ से रिमूव करना है। पेज नंबर 56 में आपको
पूरा डायग्राम आपको कट करना है, साथ में गेट इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 57 पूरा कट किया गया है। देन इसी के बाद में पेज नंबर 58 में सिर्फ फाइंड आउट वाला आपको जो दिख रहा है वो नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 59 पे डू यू नो नहीं पढ़ना है, बाकी आपकी एक्सरसाइज है, पूरा आपको एक्सरसाइज पढ़ना है। देन हमारा चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में टॉप पे आपको दिख रहा है कैन यू रिकॉल, ये नहीं पढ़ना है, बाकी उसके नीचे का पूरा आपको देखना है, टेबल भी आपको पढ़ना है। पेज नंबर 62 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 62 में हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आपको रिमूव करना है, साथ में ट्रेडिशनल मेथड भी आपको वहाँ से रिमूव करना है। इसी के बाद में पेज नंबर 63 में सबसे नीचे का पैरा दिस से लेके एटसेट्रा तक के कट करना है। पेज नंबर 64 में ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा कट करना है। उसी के बाद में 65 में आपको ऑब्जर्व वाला वो भी कट करना है एंड बॉडी सिमेट्री वाला भी पूरा कट करना है। पेज नंबर 66 में बॉडी कैविटी पूरा रिमूव करना है, से वो नीचे का टेबल आपको पढ़ना है। पेज नंबर 67 एज इट इज पढ़ना है। पेज नंबर 68 में आप देखेंगे बात स्पॉन्ज करके डू यू नो आपको नहीं पढ़ना है, सरप्राइजिंग फैक्ट दिया वो भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 69 में इंटरनेट इज माई फ्रेंड गेट इन्फॉर्मेशन ये नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 70 में आपको दिख गया है स्टूडेंट वो सब चीज़ें जो पेज नंबर 70 में वो नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 72 एंड 72 पूरा का पूरा आपको एज इट इज़ पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पेज नंबर 74 में सबसे नीचे में आपको स्टूडेंट दिख रहा है यूज़ योर ब्रेन पावर, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। साथ में आपको 75 में टॉप की तीनों चीज़ें वो सब आपको नहीं पढ़ना है आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के बाद में पेज नंबर 77 न्यू चैप्टर में आपको सबसे नीचे डेयरी प्रोडक्ट की सबसे नीचे वाला पैरा लिखा है दिस से लेके बटर, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में पेज नंबर 78 लेट्स थिंक एंड डू यू नो ये आप कट कर सकते हैं। इसी के बाद में पेज नंबर 77 आपको एज इट इज़ पढ़ना है। पेज नंबर 80 पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है स्टूडेंट ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी एज इट इज़ पढ़ना है। पेज नंबर 81 में सिर्फ आपका यूज़ योर ब्रेन पावर एंड सर्च ये दो चीज़ें नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 82 में कैन यू रिकॉल नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 83 में लेट्स थिंक आपको नहीं पढ़ना है। इसी के बाद में पेज नंबर 84 की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 84 में आपको कैन यू टेल नहीं पढ़ना है। उसके बाद में इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड 85 पे नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। इसी के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग का कैन यू रिकॉल नहीं पढ़ना है, साथ में यूज़ योर ब्रेन पावर 89 पे जो दिया है वो नहीं पढ़ना है। देन आपको आगे का तो दिख रहा है स्टूडेंट ये दो चीज़ें आपको नहीं पढ़ना था वहाँ से। इसी के बाद में पेज नंबर 92 में डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कट किया गया, साथ में ICT वाला वो कट किया। देन इसी के बाद में आपको पेज नंबर 94 में डू यू नो एंड देन इधर साइड में जो ब्लू कलर का बॉक्स है 95 में ये नहीं पढ़ना है। इसी के बाद में पेज नंबर 96 में क्लीनिंग वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट माय फ्रेंड ये नहीं पढ़ना है आपको वहाँ से। देन इसी के बाद में पेज नंबर 98-99 एज इट इज़ आपको पूरा पढ़ना है। देन हमारा चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करते हैं 9 सोशल हेल्थ। पेज नंबर 101 पे जो आपका अबाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस ये नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 102 एज इट इज़ पढ़ना है आपको। इसी के बाद में पेज नंबर 103 पे टॉप पे थिंक नहीं करना है कुछ, और साथ में कंपेयर भी कुछ नहीं करना है सबसे नीचे में। पेज नंबर 105 में रिकॉल अ लिटिल ये नहीं पढ़ना है, साथ में आप पेज नंबर 105 पे इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड ये नहीं पढ़ना है, साइबर क्राइम पूरा कट किया गया ये भी आपको नहीं पढ़ना है। देन पेज नंबर 106 में डू यू नो आपको नहीं पढ़ना है। देन 107 में टॉप पे ऑलवेज रिमेंबर आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 109 न्यू चैप्टर में आपको कैन यू रिकॉल नहीं पढ़ना है न्यू चैप्टर में। देन इसी के बाद में 110 में आपको टॉप पे लेट्स डिस्कस नहीं करना है। देन इसी के बाद में 111 में लेट्स थिंक भी नहीं करना है आपको। देन 112 आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 112 पूरा पढ़ना है, लेकिन 113 में आपको नीचे का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 114 आपको एज इट इज़ पढ़ना है, लेकिन पेज नंबर 115 में आपको पूरा चार्ट वो कैंसिल करना है, साथ में ट्राई दिस भी आपको नहीं पढ़ना है एंड गेट इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स 116 में भी आप देख सकते हैं इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड हु डज वॉट ये भी आपको नहीं पढ़ना है, साथ में ऑब्जर्व एंड कम्प्लीट द चार्ट जो 117 में वो भी आपको नहीं पढ़ना है। देन इसी के बाद में 118 में गेट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है एंड इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड भी नहीं पढ़ना है, साथ में 119 में ऑलवेज रिमेंबर ये भी आपको आपके एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक के स्टूडेंट हमारा जो जो टॉपिक रिड्यूस किया गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सब आपको मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हाँ स्टूडेंट्स, अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे मेरा पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 अकॉर्डिंगली हमारे लेक्चर बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर वे से लिंक दिए है, लिंक ओपन करके आप हमारे चैनल के जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी के लेक्चर बने हैं वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, जो भी आपको अपडेट आएंगी वो प्रॉपर वे से ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।